नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ऑटो क्लेव मशीन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑटो क्लेव मशीन है। इसे हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, और इससे हम अपने ग्लास वेयर्स और इंस्ट्रूमेंट साथ में हमारा जो कल्चर मीडिया है उसे स्टरलाइज कर सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँ तो ठीक आपके घर पर जो कुकर होता है उसी तरीके से काम करता है, ठीक उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं वो अलग है कुकर से, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पहला चीज़ ये प्रेशर इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये जो वाटर आउटलेट है ये देखने को मिलेगा। यहाँ से आप वाटर लेवल चेक कर सकते हो, और यहाँ से इस तरफ से यहाँ पर आप प्रेशर को डायरेक्टली रिलीज कर सकते हो। और यहाँ पर एक विसल भी दिया हुआ है, ठीक कुकर की तरह ही है। यहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो यहाँ से जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। तो अब इसे कैसे हम यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इससे आप इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जब ये ढीला हो जाता है उसके बाद इसे हम यहाँ पर ऐसे करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे में इसे ओपन करने के लिए दिया हुआ है, इसको जोर से हमें दबाना पड़ता है। तो जब हम दबाते हैं इसे तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसे क्या करते हैं। जब हमें इसे जोर से इसमें प्रेशर देते हैं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, और हम इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। और धीरे से फिर से नीचे आपको इसे रिलीज़ करना है ताकि ये आराम से नीचे आ जाए। फिर अब इसे हम छोड़ सकते हैं, और अंदर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा स्पेस है, इसमें बहुत सारे आपके ग्लास वेयर्स और जो भी आपके कल्चर मीडिया है वो आराम से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे ओपन कर लेना है, और अपना जो भी ग्लास वेयर्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अंदर में जब इसे आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको वाटर लेवल चेक करना है। इसका वाटर लेवल चेक करना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं इसे स्टरलाइज करने के लिए। तो इसमें हमें वाटर को अच्छे से फिल करना होता है, जितना लेवल चाहिए होता है उतना लेवल पे हम इसमें वाटर फिल कर देते हैं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ओपन हो जाता है। अगर इसमें से वाटर आता है मतलब कि हमारा वाटर लेवल ठीक है, लेकिन अगर इसमें वाटर नहीं आ रहा मतलब कि वाटर लेवल सही नहीं है इसमें, और हमें वाटर फिल करना पड़ेगा। तो ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद फिर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम टैप वाटर का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, या फिर कई वाटर हार्ड वाटर होते हैं, तो उसकी वजह से इसमें जो है जो हार्ड वाटर है वो जम सकते हैं, जिससे आगे चलकर हमें प्रॉब्लम होगा, इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से इसे धीरे से देना। अभी हो गया, उसके बाद हम यहाँ से ऐसे इसे क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद इसे हम टाइट कर देंगे। तो इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, ये अच्छे से टाइट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसे हम यहाँ से जब ऑन करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर इसका दिया हुआ है, इस इंडिकेटर से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा मशीन चालू है या नहीं। और जब ये चालू होते हैं तो इसके अंदर से आवाज़ आता है, आपको पता चलेगा, और इसमें प्रेशर जनरेट होगा। तो ये प्रेशर जो है जनरेट होगा उससे भी आपको पता चलेगा कि अंदर हीट हो रहा है। हीट होगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, और ये जो होता है ये 121 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है। उसके बाद फिर इसमें प्रेशर जनरेट होता है, करीबन 15 PSI तक ये जाता है। उसके बाद भी प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर विसल से रिलीज हो जाता है, और उसके बाद फिर हमारा जो हीट प्रोसेस मतलब कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसे यहाँ से जो प्रेशर है इसे रिलीज कर देते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और हम सिंपली यहाँ से इसे ओपन करके अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट ग्लास वेयर है उसको बाहर निकाल देते हैं।